अगर आप विजय में विनम्रता और पराजय में धीरज नहीं रखते तो आप महान क्या, एक अच्छे देश भी नहीं हो सकते। पत्रकार प्रभात जोशी की जुबान से निकले ये शब्द क्रिकेट इतिहास से जुड़ी उस घटना को बयां करते हैं जिसे सोचने मात्र से ही आज भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का सिर शर्म से झुक जाता है। यह एक ऐसी घटना थी जिसने भारतीय क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की छवि पर कालिख पोतने का काम किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। दरअसल यह बात है 1996 में हुए विल्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जिसका पहला सेमीफाइनल भारत और श्रीलंका के बीच 13 मार्च को खेला गया था। दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों को मिलाकर कुल 110,000 लोग भारत के ईडन गार्डन स्टेडियम में 4 घंटे पहले ही पहुंच चुके थे। आलम यह था कि विश्व के सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाले स्टेडियम में उस समय सुई रखने जितनी जगह ढूंढना भी मुश्किल था। दोनों टीमों के प्रशंसक उस वर्ल्ड कप में अपनी टीमों के प्रदर्शन से बहुत खुश थे। सचिन तेंदुलकर उस वर्ल्ड कप में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से जहां सबका दिल जीत रहे थे, श्रीलंकाई टीम की सलामी जोड़ी का जवाब भी किसी विपक्षी टीम के पास नहीं था। मैच शुरू हुआ और भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। श्रीलंका बल्लेबाजी करने उतरी और अरविंद डिसिल्वा के 68 और महानामा के 58 रनों की मदद से 8 विकेट खोकर 251 रन ही बना पाई। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज जयसूर्या 1 रन और कालू विथरना 0 रन बनाकर आउट हो गए, जो भारत के लिए एक राहत की बात थी। भारत की तरफ से जवागल श्रीनाथ ने 3 और सचिन तेंदुलकर ने 2 विकेट। भारतीय टीम के बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन को देखकर ज्यादातर लोगों ने भारत को विजेता मान लिया था। भारतीय टीम का हर प्रशंसक दोगुने जोश और उत्साह से भर गया था। इसी बीच भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, मगर भारत की सबसे बड़ी उम्मीद सचिन तेंदुलकर अब भी मैदान पर थे और भारत की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम 23 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 98 रन बना चुकी थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। 68 रन पर खेल रहे सचिन तेंदुलकर को जयसूर्या की गेंद पर कालू विथरना ने स्टंप आउट कर दिया। सचिन को पवेलियन लौटते देख कमेंटेटर टोनी ग्रेग ने कहा कि क्या ये एक अंत की शुरुआत से धोने वाला पल है। ये बोलते समय शायद टोनी ग्रेग को भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने उस मैच की एक सटीक भविष्यवाणी कर दी है। सचिन के आउट होते ही जैसे पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। कप्तान अजहरुद्दीन 6 गेंदों में बिना 1 भी रन बनाए धर्मसेना की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद सिर्फ 2 रन बने थे कि संजय मांजरेकर को जयसूर्या ने बोल्ड कर दिया। बल्लेबाजी को बिखरता देख अजहरुद्दीन ने जवागल श्रीनाथ को भेजा, लेकिन जहां अच्छे अच्छे बल्लेबाज नहीं टिक रहे थे वहां एक गेंदबाज क्या कर सकता था। श्रीनाथ भी 6 रन बनाकर रन आउट हो गए। अभी भारत का स्कोर 115 रन ही पहुंचा था कि अजय जडेजा भी बिना रन बनाए जयसूर्या की गेंद पर बोल्ड हो गए। सचिन को छोड़कर बाकी भारतीय बल्लेबाजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस मैच में उन्हें पवेलियन से मैदान और मैदान से पवेलियन तक दौड़ लगाने के लिए ही खिलाया गया है। अजय जडेजा के बाद नैन मुंगिया 1 और आशीष कपूर 0 रन बनाकर आउट हो गए। अब सिर्फ विनोद कांबली, अनिल कुंबले और वेंकटेश प्रसाद ही बचे थे। 23 ओवरों में 98 रन पर 1 विकेट खोने वाली भारतीय टीम का स्कोर अगली 75 गेंदों में 120 रन पर 8 विकेट हो चुका था। यहां आकर भारतीय दर्शकों का सब्र टूट गया और फिर जो हुआ वो आज भी क्रिकेट इतिहास की सबसे चौंका देने वाली घटनाओं में से एक है। स्टैंड के हर कोने से दर्शकों ने मैदान पर बोतलें, पत्थर और भी न जाने क्या क्या मैदान पर फेंकने शुरू कर दिए। लोगों के गुस्से का आलम यह था कि लोगों ने स्टैंड में आग लगानी भी शुरू कर दी और साथ ही इंडिया हाय हाय और अजहर हाय हाय के नारे भी लगने लगे। श्रीलंका के कप्तान रणतुंगा ने सभी खिलाड़ियों को मैदान के बीच में बुलाया और अंपायर से शिकायत की। अंपायर ने स्थिति को देखते हुए मैच रेफरी क्लाइव लॉयड से संपर्क किया और लॉयड ने खिलाड़ियों को वापस बुला लिया, लेकिन दर्शक अब भी मैदान पर उसी तरह से पत्थर और बोतलें फेंक रहे थे। आगजनी का सिलसिला अभी जारी था। क्वाइब लॉयड और दोनों अंपायर दर्शकों से शांत रहने की अपील कर रहे थे। लगभग आधे घंटे के बाद फिर से मैच शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले कि एक भी गेंद फेंकी जाती श्रीलंका के एक खिलाड़ी पर बोतल आकर गिरी। इसे देखकर रणतुंगा ने फिर से अंपायरों से शिकायत की। इस बार मैच रेफरी ने मैच को पूरी तरह से रोक दिया और श्रीलंका की टीम को विजेता घोषित कर दिया। आंखों में आंसू लिए मैदान से लौटते विनोद कांबली की वो तस्वीर आज भी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को उदास कर देती है। मैच को रोक देने के बाद दोनों टीमों को अतिरिक्त सुरक्षा के साथ मैदान से बाहर ले जाया गया और स्टैंड्स को पुलिस की मदद से खाली किया गया। अरविंद डिसिल्वा को 47 गेंदों में 14 चौके की मदद से बनाए गए 66 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। कहते हैं कि किसी खेल की सबसे बड़ी ताकत उसको पसंद करने वाले दर्शक होते हैं, लेकिन इस मैच में इसी ताकत ने क्रिकेट के खेल को शर्मसार होने पर मजबूर कर दिया। एक मैच में मिलने वाली हार को देखकर लोग अपने ही देश को गालियां दे रहे थे। एक हार का डर लोगों पर किस तरह हावी हो सकता था, इसका सबसे बड़ा सबूत इस मैच का वो दृश्य था जो भारत के क्रिकेट प्रेम पर सवाल उठा रहा था। नवंबर 2011 यानी इसके 15 साल बाद विनोद कांबली ने एक
न्यूज चैनल पर इस मैच को याद करते हुए कहा था कि उन्हें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला गलत लगा था, क्योंकि टीम में सभी खिलाड़ियों का मानना था कि पहले बल्लेबाजी करना ज्यादा फायदेमंद और आसान हो सकता है। कांबली ने आगे बताते हुए कहा कि उस मैच के बाद उन्हें जबरन संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया। कांबली ने अपने बयान में उस मैच को भी फिक्स बता दिया था। कांबली के बातों का जवाब देते हुए उस समय की भारतीय टीम के मैनेजर अजीत वाडेकर ने कहा था कि पहले गेंदबाजी करने का फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि श्रीलंका उस वर्ल्ड कप में स्कोर का पीछा बहुत ही आसानी से कर रही थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपने एक बयान में कांबली को जुटलाते हुए कहा था कि उस मैच में पहले गेंदबाजी करने का फैसला टीम मीटिंग का नतीजा था। उस मीटिंग में हर स्टाफ और हर खिलाड़ी मौजूद था। 1996 का वर्ल्ड कप श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलियन टीम को 7 विकेट से हराकर अपने नाम किया। सन 2000 में मोहम्मद अजहरुद्दीन पर मैच फिक्सिंग के आरोप भी लगे, जिसके कारण बीसीसीआई ने उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। विनोद कांबली को भी अपने बयान के कारण बहुत ट्रोल किया गया और फिर उन्हें किसी भी न्यूज चैनल ने क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर नहीं लिया। इस मैच की अगली सुबह पत्रकार प्रभाष जोशी ने इस मैच के बारे में जो कहा वो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। 1996 वर्ल्ड कप में ईडन गार्डन में हुआ यह विवाद बड़ा जरूर था, लेकिन नया नहीं था। इससे पहले भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर और उनकी पत्नी के साथ भी इस मैदान पर बुरा व्यवहार हो चुका था और अपने साथ हुए बुरे व्यवहार के बाद सुनील गावस्कर ने कोई भी मैच इस स्टेडियम में नहीं खेला था। लेकिन कहा जाता है ना कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इस घटना का दूसरा पहलू यह है कि कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम अपनी क्रिकेट और मेहमानों के स्वागत के लिए दुनिया भर में मशहूर है और कोलकाता के लोगों ने अपनी इस दिलदारी का सबूत इस घटना के बाद भी दिया। कोलकाता के लोगों ने श्रीलंका के कप्तान रणतुंगा से अपने गलत बिहेवियर के लिए माफी मांगी। इसके लिए कोलकाता के लोगों ने बाकायदा एक माफीनामा लिखा और उस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साइन लिए गए। इस माफीनामे को एक रेडियो कार्यक्रम के दौरान पढ़कर यहां के लोगों ने अपनी गलती कबूल की और श्रीलंका के लिए अपने प्यार का इजहार किया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।